स्वागत है आपका डिलीशियस कुकिंग में। आज हम बनाएंगे मसालेदार भिंडी। मसालेदार भिंडी बनाने के लिए हमें चाहिए इस शेप में कटे हुए भिंडी, इस तरह के। ये हाफ केजी भिंडी है। तो आइए हम दिखाते हैं आपको मसाले। ये हमारे पास है प्याज का पेस्ट, लहसुन का पेस्ट, मिर्च पाउडर, नमक, काली मिर्च पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और यहाँ पे हमारे पास है सरसों के दाने और मेथी, और ये है मैजिक मैगी मसाला मैजिक। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले इसमें जाएगा नमक, अपने टेस्ट के हिसाब से डालेंगे। उसके बाद इसमें जाएगा मिर्च पाउडर, मिर्च इसमें डालेंगे हम हाफ टी स्पून, और हल्दी भी हाफ टी स्पून। धनिया 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून काली मिर्च पाउडर और हाफ टी स्पून जीरा पाउडर। अब इसमें जाएगा लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून। तीन से चार टेबल स्पून प्याज का पेस्ट। अब हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। अगर आपको नमक मिर्च कुछ कम लगे तो आप डाल सकते हैं। हमने इसे मिक्स कर लिया है, अब हम इसे बनाएंगे। हमने एक पैन ले लिया, उसमें 3 टेबल स्पून सरसों का तेल डाल दिया है, और ये तेल गर्म हो गया है। अब हम इसमें डालेंगे फोरन। अब हम इसमें डालेंगे सरसों और मेथी का फोरन। अब हम इसमें सारी भिंडी डाल देंगे। भिंडी जब भी बनाए तो उसे सरसों के तेल में बनाए, उसका टेस्ट अच्छा होता है। चार से पांच मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे तलेंगे। चार से पांच मिनट हो गए हैं, अब हम इसमें थोड़ा सा पानी डाल देंगे, बिल्कुल थोड़ा सा बस। अब हम इसके फ्लेम को कम कर देंगे और इसे कवर कर देंगे। ऐसे गलने का वेट करेंगे। इसे हम मीडियम फ्लेम पर 15 से 20 मिनट तक पकाएंगे। 20-20 में हम इसे खोलकर एक बार चला लेंगे। अगर कुछ पानी की कमी लगे तो आप इसमें ऐड कर सकते हैं। हो गए, अब हम इसे चेक कर लेते हैं। ये भिंडी गल चुका है और इसमें हमने जो पानी डाला था वो भी सूख गया है। अब हम इसमें डालेंगे मैगी मसाला मैजिक।
एक दो हाथ चला लेंगे। ये हमारा भिंडी मसाला रेडी है, अब हम इसे ऑफ कर देंगे। मसाला रेडी है, आप इसे जरूर ट्राई करें, जरूर बनाएं और हमारा वीडियोस देखते रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।